नए युग का भी निर्माण और अध्यात्म का स्वर। एक तरफ हमारा अध्यात्म धर्म, हमारा सनातन धर्म, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म प्रबल होने वाला। राष्ट्र धर्म के हमारे प्रबल हस्ताक्षर हमारे अमन चोपड़ा जी जो रोज शो करते हैं, देश नहीं झुकने देंगे। क्या बोला? देश नहीं। इसके लिए अमन चोपड़ा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। और आज हमारे साथ इतने बड़े देश के शिव कथाकार जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति को घर घर तक जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और हमारे आयुर्वेद के सबसे बड़े शिखर पुरुष पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज, सब हमारे श्रद्धेय महापुरुष यहाँ पर है, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। आचार्य जी, सवाल पहला यही है, आज आपने कहा राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य आ गया, यही राम राज्य की परिकल्पना है? राम राज्य की परिकल्पना ये है, हमारा चरित्र कैसा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने जिन मर्यादाओं को जिया, जैसा उन्होंने श्रेष्ठ आचरण किया, उन्होंने जीवन में अनुशासन रखा, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंध का, आचरण का, उन्होंने राज धर्म और अध्यात्म धर्म का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का जैसे अपने जीवन में आचरण किया, पालन किया, ऐसे सब भारतवासी करेंगे तो देश में स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, क्या बात, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो ऐसा राम राज्य जहाँ किसके जीवन में कोई रोग ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना हो। दरिद्रता को हमने कभी धर्म नहीं कहा अमन जी, यह तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म है, जहाँ संस्कृति भी हो और समृद्धि भी हो, ऐसा राम राज्य आएगा। तो फिर बाबा रामदेव, राम राज्य में बाबर प्रेमियों के लिए कोई जगह है? आप ही बताओ, ये सब बाधाएं दूर करते हैं, आप बताओ जी। हमारे प्रदीप मिश्रा जी, मतलब बाबर प्रेमियों के लिए कोई जगह है, सनातन शत्रुओं के लिए कोई जगह है? प्रदीप मिश्रा जी, राम राज्य में, जी, राम राज्य में सबके लिए जगह है, तो बाबाओं के लिए जगह क्यों नहीं होगी? तो जो बाबर के वंशज है ना जी, उनको ये मानना चाहिए कि बाबर का अंतिम वंशज कौन था रे देश में, जो देश छोड़ के फिर भागना पड़ा था, जिसको बहादुर शाह जफर, मैं उसको बोलता हूँ बहादुर शाह डफर। तो बाबर के वंशजों का वही हाल होगा जो बहादुर शाह जफर का डफर का हाल हुआ। आज बाबर के वंशजों को सड़क के ऊपर पान का एक खोखा भी नसीब नहीं, और चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। यह है राम भक्ति का परिणाम कि जो अपने आप को मुगलों का वंशधर मानते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं है, और जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, और राम लला हमारे टेंट से दिव्य भव्य मंदिर में आ गए। और अभी तो गर्भगृह के निर्माण के बाद अब तो शिखर छुएगा, और ये शिखर राम मंदिर का ही नहीं, ये सनातन का स्वर शिखर छुएगा, और पहले भारत में और फिर पूरी दुनिया राम के आदर्शों पर चलेगी, और राम राज्य पूरी दुनिया में आएगा। तो बाबा, मैंने वही सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, सनातन शत्रुओं का, बाबर प्रेमियों का क्यों जगह है या नहीं है? कह दीजिए, मतलब नहीं है या है, सब बता दीजिए मेरे को। अब आपस में हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। क्या बोलते? बोलो राम राम, जय सिया राम, बोलो सीताराम, सीताराम बोलते हैं, जय सियाराम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, और जो राम राम नहीं बोलता तो फिर राम नाम सत है। तो ये जो राम के नहीं वो किसी के। अच्छा, ये क्या चल रहा है देश में? बॉयकॉट है। राम सबके आराध्य हैं, राम सबके पूज्य हैं, और जो मुसलमान राम को पूज्य नहीं मानते, भाई उनके भी पूर्वज तो राम ही है, और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई, वो किसी का नहीं हो सकता। नहीं बाबा, लेकिन आप मोदी जी को क्रेडिट क्यों देते? सिर्फ मोदी जी को क्रेडिट क्यों देते हैं? अच्छा, भाई ये तो मंदिर मंदिर तो कोर्ट से बन रहा है ना,
कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कोर्ट भी यही था, जज भी यही थे, वकील भी नहीं यही थे, लेकिन राम मंदिर इन्हीं के शासन में बन रहा है रे मेरे भैया। इसलिए राजनीतिक श्रेय मोदी जी को। अरे अभी तो जय श्री राम बोलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। ए सुनो 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 सुनो, ए अब यहाँ राम बड़े हैं कि बोलो मोदी जी, जय सियाराम। तो हम मोदी जी का शासन देश में हो, लेकिन अयोध्या में राम का अनुशासन। तो देखो राजनीतिक श्रेय मोदी जी को जाता है और संगठनात्मक श्रेय आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को जाता है, और साधु संतों को धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक श्रेय जाता है, और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी प्रदीप मिश्रा जी, उन बलिदानियों को श्रेय जाता है, और इसलिए उन सबको एक बार जय सियाराम। लेकिन बाबा मंदिर का विरोध तो कुछ साधु संत भी कर रहे हैं। ये जो विरोध कर रहे हैं महात्मा जी, आप प्रदीप जी, मंदिर का विरोध तो साधु संत भी कर रहे हैं। अधूरा मंदिर है, मुहूर्त ठीक नहीं है, गलत समय है, मंदिर का विरोध तो साधु संत भी कर रहे हैं। देखिए पूर्व में भी राम जी महाराज के समय पर क्या विरोध नहीं हुआ, तो सब समय की अवस्था में इस राघव जी की धरा पर अवध में सब आएंगे, थोड़ा समय के अनुसार आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, पर आएंगे जरूर जी। आचार्य बालकृष्णन, भगवान श्री राम स्वयं कालातीत हैं, उनको काल की घड़ी में बांधना मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए भगवान श्री राम लला टेंट से यदि मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, इससे भव्य दिव्य और शुभ मुहूर्त कुछ हो नहीं सकता, और इसके लिए ये जो लाखों लाखों करोड़ों चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो बता रही है इस शुभ मुहूर्त कुछ हो नहीं सकता। तो बोलिए जोर से जय श्री राम। अच्छा बाबा एक सवाल है आपसे, आज ये जिस तरह का हम उत्साह उमंग उल्लास देख रहे हैं, मतलब क्या आपने कल्पना की कि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न होगा एक देश में, राम प्रभु राम के लिए ऐसा जश्न? यह राम की पैड़ी से लेकर के पूरे अयोध्या से लेकर के पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व आज जय सियाराम, जय सियाराम कर रहा है, कुछ बदल रहा है। ये जो बदलाव है ये वैचारिक बदलाव है, ये सांस्कृतिक बदलाव है, ये राजनीतिक बदलाव है, ये सामाजिक बदलाव है, ये वैश्विक बदलाव है, और ये बदलाव है राम मंदिर के निर्माण के साथ चरित्र निर्माण और नए राष्ट्र के निर्माण का ये शंखनाद है। इसलिए राम मंदिर मात्र कोई ईंट पत्थर नहीं है, ये राम मंदिर चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और राम राज्य के निर्माण का शंखनाद, उसकी आधारशिला है, और ये राष्ट्र राम के आदर्शों पर चलता रहा है। और एक बात ये बताओ, राम जी का मुहूर्त कौन निकालेंगे साहब? जो राम सबके काल के निर्धारक है उसके काल का निर्धारण ये आदमी करेंगे? क्या बात है साहब। और दूसरी बात, अधूरा मंदिर, अरे मंदिर राम पूरे तो उनका मंदिर भी, उनका गर्भगृह है भी, और राम स्वयं शिखर है हमारे सनातन के संस्कृति के, राम हमारे धर्म के शिखर है, रामो विग्रहवान धर्म है, तो राम का शिखर कोई पुरुष बनाएगा? अरे वो तो परम पुरुष है, परात्पर ब्रह्म है। ये राम श्रद्धा भी है, ठीक, राम हमारा कर्म है, आचरण भी है जी, राम हमारी भक्ति है। रमन्ते ज्ञान भक्ति कर्म योगिनः यस्मिन् स रामः, राम जो सब में रम रहे हैं, सबको रमा रहे हैं, सबको क्रीड़ा करा रहे हैं। और जैसे पूज्य आचार्य वाक्षण जी ने कहा, राजा कालस्य कारणम्, एक तो काल का निर्धारण राजा करता है, दूसरा काल का निर्धारण राम जी करते हैं, हमारे प्रदीप जी जो है महाकाल जी, महाकाल शिव करते हैं काल का निर्धारण। तो जहाँ राम है वहाँ शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुध सरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय। तो राम जी सबका मंगल करते, वहां कोई अमंगल हो सकता है क्या? तो ये जो डरा रहे हैं ना, अरे अशुभ हो जाएगा, जहाँ राम है वहाँ कोई शुभ नहीं। ये डरा रहे, डर इसलिए रहे हैं जो डराया जा रहा है कि अब अयोध्या के बाद अगला नंबर फिर मथुरा का लग जाएगा, फिर काशी का लग जाएगा। वो लगना ही चाहिए, लगना चाहिए। क्यों क्यों मिश्रा जी, वो प्रदीप जी नंबर लग ही गया, उसमें कुछ सोचना नहीं है। मथुरा का नंबर लग गया। अच्छा बताओ, काशी विश्वनाथ मथुरा अयोध्या में मंदिर नहीं होगा तो क्या मक्का मदीना में होगा? अब देखो चारों तरफ यहाँ धर्म का शंखनाद है, ये यहाँ धर्म तंत्र भी है, यहाँ लोकतंत्र भी है, यहाँ विधि विधान है और राम ही भारत के संविधान भी है। एक आखिरी सवाल, क्या विपक्ष के पास ऐतिहासिक मौका है प्रायश्चित का, क्या वो मौका गवाने जा रहे हैं? 22 जनवरी दोबारा नहीं आएगी कहा जा रहा है, जो 22 को नहीं आएंगे वो 24 में भी नहीं आएंगे। देखो मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो राम जी से विमुख हो जाएंगे वो सत्ता से भी विमुख होंगे, इस होंगे राजनीतिक मोक्ष हो जाएगा। राजनीतिक मोक्ष जिनको जल्दी चाहिए, मतलब 29 का भी नंबर नहीं लगेगा? अरे साहब अभी हिंदुस्तान में 15-20-25 सालों तक तो अभी कोई अंदेशा है नहीं विधर्मियों के आने 15-20-25 साल, और अभी बाबा रामदेव भी 50 साल रहने वाला है अमन जी के साथ तो अमन चैन रहने वाला है जी, और देश नहीं झुकने देंगे जी, धर्म नहीं झुकने देंगे, हम सब मिलकर के फिर से देश में देह में मन मर्दन आचरण कर्म में राम राज्य लाएंगे। और क्या बात है, चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है, और हमारे क्या बदल रहा है बाबा, मुझे बताइए ये क्या बदलने जा रहा है 22 तारीख के बाद, क्या बदलाव आएगा इन सबकी जिंदगी में? सबकी जिंदगी में एक बदलाव आएगा, एक तो आत्म गौरव की अनुभूति, किसकी अनुभूति बोलो, स्वाभिमान की अनुभूति, किसकी अनुभूति, और जन जन में राम की अनुभूति है। चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बोलो जय राम। हमारे आचार्य जी भी मंद मंद, आचार्य जी, आचार्य जी सवाल उठता है, लेकिन प्रभु राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया बीजेपी ने, आरएसएस ने, ये धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। आचार्य जी जीवन में हम सब जितने भी हैं, हमारा धर्म है तो हमारा जीवन है, जीवन को जो बनाने के लिए जो भी काम करेगा हम उसके साथ हैं, कोई राजनीति से कोई ढूंढे उसमें, कोई व्यापार ढूंढे, कोई और कुछ ढूंढे, ढूंढने वालों की उनकी मर्जी है, हमें तो राम भक्ति है, जो हमें राम से मिलाएगा उसके साथ हम जुड़ करके रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए लोग भगवान श्री राम के साथ जुड़े हैं, इसलिए जो राम को भजेगा हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो यदि उन्होंने उसका लाभ उठाया तो फिर बाकी लोगों को भी तो मौका मिलेगा। ये बात आचार्य जी ने बहुत बड़ी कही है, अरे भाई राम का आशीर्वाद चाहिए तो नहा लो आप इस गंगा में, राम नाम की गंगा में। अच्छा देखो News 18 एक राष्ट्रीय चैनल तो है ही, हर प्रदेश में News 18 के ऊपर अखंड कवरेज श्री राम की हो रही है, और इसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के भीतर राम भक्ति और राम भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति भी जागृत हो रही है। जो राम भक्त होता है वही सच्चा राष्ट्र भक्त भी, वो राष्ट्र के साथ कभी द्रोह नहीं कर सकता है। तो News 18 के लिए भी एक बार जोरदार बधाई हो जाए। नहीं क्या बात है बाबा, एक आखिरी सवाल, जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए जाते जाते इन सबके लिए आज। तो देखो देखो हमें राम भक्ति भी जीवन में रखनी है और राष्ट्र भक्ति भी जीवन में, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि,
उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत, देश है पुकारता पुकारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे गाओ खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। बाबा एक जाते जाते प्रधानमंत्री महादेव की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महानुष्ठान पर हैं, चौकी पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जमीन पर सो रहे हैं, 11 दिनों से उपवास कर रहे हैं, यम नियमों का पालन कर रहे हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन कर रहे हैं, ऐसे तपस्वी राजा हम तो भगवान राम को राजा भी कहते ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। अच्छा बाबा जाते जाते सीताराम, सनातन विरोधियों के लिए कोई ऐसा आसन जिससे उनकी उनको बुद्धि आए, उनको कोई ऐसा आसन, उनको उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए, हाँ। उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और जो सनातन सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी कर रहे हैं वो सनातनी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।